हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और हम बात करेंगे टॉरियंस का ये मंथ यानी कि नवंबर 2019 कैसे जाने वाला है। और मैं आपको टैरो के साथ साथ गोचर यानी कि ट्रांसिट के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी कि नवंबर आपके लिए कैसे जाने वाला है। तो टॉरियंस हो जाइए तैयार, पर उससे पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, टॉरियंस के लिए जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं वो इस तरह की है कि आपके सिक्स हाउस में सूर्य, मंगल और बुध हैं या मिड ऑफ द मंथ में आ जाएंगे। वीनस आपके सेवंथ हाउस में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। क्लोजनेस फॉर द पार्टनर्स। एट हाउस में आपके शुक्र, केतु और गुरु है और आपके सेकेंड हाउस में राहु है। तो अगर अब हम टोटालिटी में देखें तो सूर्य, मंगल और बुध आपके सिक्स हाउस में हैं। अगर सिक्स हाउस में सूर्य हैं तो हो सकता है कि जो छुपे हुए दुश्मन थे, सूर्य की एक एनर्जी है। देखिए, सूर्य वहां पर रोशनी डालता है, जहां पर भी जाता है वहां पर रोशनी डालता है। तो जो चीजें जिस हाउस में जाएगा, जो चीजें वो रिप्रेजेंट करता है हाउस, उस पर वो रोशनी डालेगा। अब सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है कर्जा, झगड़ा, बीमारी या कि दुश्मनों पर। तो जो लोग आपसे अंदर से नहीं आपको अच्छा मानते हैं, उन लोगों पर भी एक हिसाब से सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो आपको पता चलेगा कि कौन मेरा अपना है, कौन नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे उनकी तरफ भी रोशनी पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि कितने लोन्स हैं आपके जो शायद आपने बढ़ा लिए हैं। मंगल की वजह से अगर किसी प्रॉपर्टी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपनी बात करेंगे आपस में। सबसे अच्छी बात है कि आपके सेवंथ हाउस में वीनस है। सेवंथ हाउस में वीनस ऑलमोस्ट 21 नवंबर तक रहेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप जिससे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर से और अपने लाइफ पार्टनर से भी, तो आप वो बात कर पाएंगे। आप वो बात उनको समझा पाएंगे कि कैसे जो भी आपके दिल में है वो आप उनसे डायरेक्टली कर पाएंगे। आपके एट हाउस में केतु, शनि और गुरु हैं। ये जरूर मैं आपको कहूंगी कि कुछ कहीं ना कहीं 5 नवंबर को गुरु आ जाएंगे तो चीजें जो है वो मैटर, जो मानसिक कलेश आप फील कर रहे थे सैटर्न और केतु की वजह से, वो कम हो जाएगा। अगर शारीरिक रूप से भी आपको एनर्जी लेस लग रहे थे, वो भी अब बढ़ जाएगी आपकी एनर्जी। और गुरु और केतु के योग की वजह से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में, फेथ इन द गॉड, बिलीव सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अपने में भी बिलीफ हो जाएगा और ठाकुर जी में भी, यानी कि अपने ईश्वर में भी बिलीफ हो जाएगा। जो भी यूनिवर्सल पावर आप मानते हैं उसमें भी बिलीफ हो जाएगा। आपके दिल की कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। साथ में किंग ऑफ वैंड्स भी है कि यू आर लाइक अ किंग एंड यू डोंट शर्क वर्क, सो इट इज गुड फॉर यू। दिल की कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, हालांकि खर्चे बहुत ज्यादा हो सकते हैं और जरूरत से ज्यादा आपको ये लग सकता है कि आप पर ना होकर किसी और पर वो खर्चा हो रहा है, घर में कहीं और खर्चा हो रहा है। वैसे आपके लिए लवर्स कार्ड है, जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि पार्टनर्स के साथ आप इंजॉय करेंगे, आपकी लव लाइफ जो है वो स्ट्रांग होने वाली है। स्पेशली आपकी फैमिली में भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। किसी न किसी वजह से दिल तो देखिए जरूर टूटेगा क्योंकि सैटर्न और केतु है, कहीं ना कहीं हिसाब किताब पुराना। अब केतु की जो एनर्जी है वो एनलाइटमेंट की है, तो जब आपको एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाया जाता है, मोक्ष की तरफ, तो आप बाकी चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजों से आपका दिल हट जाएगा और बहुत ज्यादा आपका दिल करेगा कि आपको बार बार वो एक्सपीरियंस होंगे जिससे आपको लगेगा कि मेरा और कोई नहीं है दुनिया में अपने ठाकुर जी के सिवा। तो अपने ठाकुर जी पर ये फेथ करने का समय है, वो ही आपको, कोई भी आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसे दिया ही नहीं जाता, चाहे वो मतलब एक छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी हो, बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस भी हो, वो आपको आपकी ग्रोथ को नजर रखते हुए किया जाता है, आपके कर्मों के हिसाब किताब से किया जाता है। कोई भी बेमतलब आपको नहीं मिलेगा, कोई भी बेमतलब काम आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज बिना मीनिंग है ही नहीं लाइफ में, क्योंकि लाइफ इतनी छोटी है, बड़ी मीनिंगफुल उसे बनाया जा सकता है। चैरिट कहता है कि आप मेंटेन कीजिए बैलेंस को मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली मनी से रिलेटेड अगर आप इम्बैलेंस फील कर रहे हैं तो एक नए काम की शुरुआत आपको अगले 3 महीनों में मिल सकती है। नए काम की शुरुआत जो आपके लिए, यू आर गोइंग टू नर्चर इट लाइक अ बेबी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसा काम जो कि आप बच्चों की तरह पालेंगे, बच्चों की तरह आप उसे संभालेंगे, नर्चर करेंगे, वो काम आप स्टार्ट कर सकते हैं अगले 3 मंथ्स में। हम इट कहता है इसे आप खुद ही गाइड करेंगे, खुद ही इसे मंजिल पर लेकर जाएंगे, पर उसकी इंडिकेशन और जो सीड्स हैं वो इस समय आपके दिमाग में उसकी जो है वो फीड होंगी। साथ ही साथ आपको सेलिब्रेशंस का टाइम भी मिलेगा और आपके फ्रेंड्स, पुराने नोन टूज की हेल्प से भी आपको
रास्ते मिलेंगे. एक से ज्यादा ऑप्शन है आपके लिए. दे आर सजेस्टिंग यू आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन. इवन इफ देर आर नो रिजल्ट, जस्ट कीप मूविंग. So you need to keep moving. So you need to be vigilant. So you need to be very careful. My dear, this is the time under sun when planets are planning some plannings for you. So you must be very aware of whatever thoughts are coming to you, whatever ideas are coming to you. This is going to be very wonderful. प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ये था टॉरियंस का नवंबर 2019. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.